बार बार कहते हैं कि आइए मुद्दों पे बात करते हैं। आप 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे नगर निगम, आइए मुद्दों पे बात करते हैं। हमेशा मुद्दों से बच के भागते हैं, मुद्दों पे बात नहीं करते। इधर की फेंकेंगे, उधर की फेंकेंगे, दफ्तर खारिज कराएंगे, इधर के नोटिस दिलवाएंगे आम आदमी पार्टी को। एमसीडी के एक भी काम के आधार पर आ जाए भारतीय जनता पार्टी मैदान में, हम बता रहे हैं कि आपने कैसे दिल्ली को 168वें नंबर से 398वें में पहुंचाया। इसके बाद 2016 में एमएयूडी ने एक और सर्वे किया, जब 2 साल इनके हो गए स्वच्छता अभियान को, 73 शहरों में इन्होंने किया, तो 73 सिटीज के सर्वे में दिल्ली नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा दिल्ली नगर निगम, जिसमें वो मोदी जी के दम पे आज वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं मोदी जी के कहने पे चलाया जा रहा स्वच्छ भारत अभियान, उसकी तमाम 2 साल की परफॉर्मेंस के बाद भारत के 73 शहरों में दिल्ली के नगर निगम का स्थान रहा टॉप 50%, बिलो 50% वालों में। इसमें साउथ दिल्ली अलग अलग इन्होंने किया, साउथ दिल्ली का 39वां स्थान, नॉर्थ का 43वां और ईस्ट का 52वां, 52। 73 शहरों में इन्होंने दिल्ली को आधे शहरों में भी नीचे कर 50% से भी नीचे के शहरों में तीनों नगर निगम मिला। तो ये बड़े स्वच्छ अभियान की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया है स्वच्छता के नाम पे? जब इनकी सरकार नहीं थी तब ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, खुलेआम भ्रष्टाचार के सबूत हैं, ऑडिट बंद करा दिया, जब इनकी सरकारें आ गई उसके बाद से भी ऑडिट नहीं कराया केंद्र सरकार में आने के बाद से इन्होंने, या उससे पहले से भी। और सफाई के नाम पे, जो आज ये सफाई के नारे दे रहे हैं, सारी जगह स्वच्छाग्रह चला रहे हैं, ये स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान के विज्ञापन चला रहे हैं, कैसे होगा इनसे? 10 साल में नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? ये तो दिल्ली के रैंक को खराब करते चले जा रहे हैं। भारत सरकार के एक के बाद एक सर्वे बता रहे हैं कि ये पूरे दिल्ली की स्थिति को इन्होंने खराब किया है। इन्होंने दिल्ली में 229 पब्लिक टॉयलेट्स का सर्वे किया, जो एमसीडी से मैनेज हैं और एनडीएमसी से मैनेज हैं। मतलब आप देखिए कि एनडीएमसी के टॉयलेट्स की हालत बहुत बेहतर है, उसके बाद दिल्ली के एनडीएमसी और एमसीडी से रिलेटेड टॉयलेट्स का सर्वे क्या कहता है। 70% टॉयलेट्स वर नॉट क्लीन, 65% हैड नो फ्लश फैसिलिटी। आधे से ज़्यादा टॉयलेट्स में इन्होंने फ्लश फैसिलिटी तक नहीं, 50% हैड नो वाटर सप्लाई एट ऑल, 61% डिड नॉट हैव सोप टू यूज। उसके और फाइंडिंग्स हैं, 35% टॉयलेट्स, महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये इंडिपेंडेंट सर्वे जाता है, 35% टॉयलेट्स हैड नो सेपरेट सेक्शन फॉर विमेन। बड़ी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन एमसीडी के 35% टॉयलेट्स में महिलाओं के लिए अलग से सेगमेंट नहीं है। और 28% टॉयलेट्स में अंदर से बंद करने के लिए डोर नहीं मिले इनके जब सर्वे किया गया। 45% टॉयलेट्स में, अच्छा नहीं, 28% टॉयलेट्स में तो डोर्स ही नहीं थे, और देयर वाज नो डोर। 45% टॉयलेट्स डिड नॉट हैव मैकेनिज्म टू लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड। 45% में अंदर से लॉक करने की व्यवस्था नहीं थी कुछ। हाफ ऑफ देम डिड नॉट हैव लाइट्स, नीदर इनसाइड द टॉयलेट नॉर द इन द प्रमाइसिस। 46% ऑफ द टॉयलेट्स आर अनगार्डेड। तो ये महिलाओं के लिए टॉयलेट बनवाने की बात करते हैं। वापस याद दिला रहा हूँ क्यों मैंने ये चीज़ कही, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में ने 5 साल पहले जब जनता से वोट मांगा था, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, हम डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करेंगे, वेस्ट सेग्रीगेशन करेंगे, पब्लिक टॉयलेट्स बनवाएंगे, स्पेशली फॉर विमेन बनवाएंगे। इन तीनों वादों की सच्चाई जो दिल्ली नगर निगम में कहे थे, इसीलिए हमने इस बार, मैं लेकर आया था आपके पास बुकलेट, वैसे तो पहले बताया था, ये दिल्ली का आउटकम बजट है, ये हर साल बताएगा परफॉर्मेंस को। 2009-10 में भारत सरकार ने 423 भारतीय शहरों का एक सर्वे कराया साफ सफाई को लेके, उसमें नेशनल कैपिटल गॉट 168th रैंक, 168वां स्थान था। लेकिन 2015 में जब भारत सरकार ने सर्वे कराया, एक साल के स्वच्छता अभियान के बाद का सर्वे था ये, 2015 याद दिला दूं, 423 शहरों में 2009-10 में 168वें स्थान पे थी दिल्ली, और 2015 में
398वें स्थान पे थी, 168वें स्थान से नीचे गिर के 398वें स्थान पे पहुंचा दी इन्होंने। ये लोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ के नगर निगम में। ये साफ सफाई की बात करते हैं, इनसे होगा? इनसे नहीं हो पाएगा। इनसे तो 10 साल में नहीं हुआ, अब क्या करेंगे ये? इनसे 3 साल के मोदी जी के कहने के बावजूद नहीं हुआ, ये क्या करेंगे? ये तो सिर्फ 198 में से 198 नंबर पे थी पूरे देश में। और भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की रिपोर्ट कह रही है, 168वें स्थान से गिरा के इन्होंने दिल्ली को 398 में रैंक पे खड़ा कर दिया ले जाके। ये भारतीय जनता पार्टी की सफाई की, स्वच्छता अभियान की सच्चाई है, स्वच्छ भारत अभियान की सच्चाई है। 2011-12 में क्या है, हर एक सरकारी डिपार्टमेंट अपना ऑडिट करता है, ये आप सबको पता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एमसीडी का 2011-12 के बाद कोई ऑडिट ही नहीं हुआ है, इंटरनल ऑडिट नहीं कराया उन्होंने, जबकि हर साल होना चाहिए, हर एक फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट होना चाहिए। क्यों नहीं कराया? क्योंकि 2011-12 के ऑडिट में ही इतने घपले पाए गए थे और उससे पहले सालों के भी पाए गए थे। आपको ये भी बता दूं कि जब ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, तो ऑडिटर्स जो हैं वो एक एक बिल, एक एक डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते हैं, वो महज 15% 20% सैंपल उठाते हैं और 15-20% के आधार पर अपनी रिपोर्ट देते हैं, उनके आधार पर अपनी बात रखते हैं कि किस तरह की प्रैक्टिसेस गलत हैं, किस तरह का करप्शन हो रहा है। तो महज 15-20% के उठाए हुए सैंपल्स में ऑडिटर को कितनी गड़बड़ियां मिली। लास्ट फाइनेंशियल ऑडिट जब हुआ, इनका इंटरनल ऑडिट हुआ, उसके कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। नॉर्थ एमसीडी के बारे में इनका अपना इंटरनल ऑडिटर कहता है, नॉर्थ एमसीडी के इलाके के बारे में, कि वहां 115 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ एक साल में, और सिर्फ सैंपल के बेस पे कह रहे हैं। 115 करोड़ रुपए के घोटाले में 58 करोड़ रुपए तो 71 चेक्स के थे जो एडवर्टाइजर्स से इनको दिए गए थे और वो कैश नहीं हुए। मतलब इन्होंने जिन विज्ञापन कंपनियों को ठेके दे रखे हैं, उन विज्ञापन कंपनियों ने इनको पेमेंट किया चेक से और वो बाउंस हो गए, वो डिफॉल्ट हो गए, और उसके बावजूद इन्होंने उनको उनसे वसूला नहीं। 55 करोड़ रुपए, 80 लाख लगभग 56 करोड़ रुपए के चेक तो ये हैं, 115 करोड़ रुपए का नॉर्थ एमसीडी के घोटाले में। 4 करोड़ का लॉस हुआ नॉन रिसिप्ट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी, यूनाइटेड अम्यूजमेंट पार्क रोहिणी में है, उससे इन्होंने अम्यूजमेंट पार्क से उन्होंने प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया। हमसे बार बार पूछते हैं ना कि कहां से आएगा, हम हाउस टैक्स माफ करेंगे तो पैसा कहां से आएगा। ये हैं वो लूपोल्स जिनको एमसीडी ने बाकायदा पाल के रखा हुआ है, बाकायदा सहेज के रखा हुआ है, जिसकी वजह से लोग चेक देते हैं और वो रियलाइज नहीं होते और उनसे कोई वापस जाके पूछता नहीं, कमर्शियल टैक्स लिया नहीं जाता। आम आदमी पे 10,000 रुपये का, 1,000 रुपये का, 800 रुपये का भी प्रॉपर्टी टैक्स, उसकी प्रॉब्लम हो रही है इनको, उससे इनके हालत ख़राब हो रही है कि नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी पे जो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये का टैक्स है वो माफ़ नहीं होना चाहिए। लेकिन 4-4 करोड़ रुपये के बड़ी बड़ी कंपनियों के कमर्शियल टैक्स ये लोग वसूलते नहीं हैं। रोड अंडर ब्रिज, जीटी रोड इंडस्ट्रियल एरिया में जो ट्रॉड सावन पार्क दिल्ली अम्बाला लाइन है, 4.5 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज उसकी कंस्ट्रक्शन में पाई गई, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया उसके बावजूद। 1.5 लाख रुपए के बोगस इश्यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ये स्कूल की बात करते हैं, बड़े बोर्ड लगे हुए हैं आजकल विज्ञापन में, स्कूलों को कैसे चला रही है नगर निगम, इसका एक उदाहरण तो कल आपने देखा होगा, एक इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई थी कि वहां उनके फंक्शन कैसे हो रहे हैं। टॉयलेट में एक बच्चा, एक रिपोर्टर ने लिखा है कि एक बच्चा टॉयलेट जाना चाहता है लेकिन 3 घंटे के सेशन में वो 6 बार टॉयलेट की तरफ जाता है, लेकिन वहां इतनी पॉटी पड़ी हुई है कि वो बेचारा टॉयलेट नहीं जा पाता। टीचर्स भी जाते हैं उधर घूम के वापस आ जाते हैं बदबू की वजह से, और ये बहुत सारे स्कूल्स में कहानी है नगर निगम की। ये
इस तरह से स्कूल्स को चला रहे हैं। ऑडिटर कहता है कि म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल आजादपुर विलेज के लिए इन्होंने 4720 टेक्स्ट बुक्स जो कि 1.5 लाख रुपए की थी वो इशू कर दी सेंट्रल स्टोर से, जबकि स्कूल के अकाउंट में जाके जब ऑडिटर ने चेक किया तो वहां तो रिसीव ही नहीं हुई थी। यानी टेक्स्ट बुक स्कूल में भेजे जाने को लेके भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। एमसीडी का उसके ऑडिटर ने 83 करोड़ रुपए का घोटाला पॉइंट आउट किया है। उस 83 करोड़ में 54 करोड़ रुपए एमसीडी के अलग अलग डीडीओज ने, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, उन लोगों ने विड्रॉ करके रखे हुए थे, हैव नॉट बीन एडजस्टेड, और वो अकाउंट्स में एडजस्ट नहीं किए गए। 54 करोड़ रुपए एमसीडी के ऑफिसर्स ने निकाल के रखे हुए थे और वो कहीं एडजस्ट नहीं हुए, ये 54 करोड़ रुपए का। ये कहते हैं सैलरी नहीं है कर्मचारियों को देने के लिए, ये कहते हैं बिना हाउस टैक्स के काम नहीं चलेगा। ये 54 करोड़ रुपए तो इनके ऑफिसर्स रख के भूल जाते हैं, कोई अकाउंट नहीं है उनका। अनड्यू बेनिफिट टू प्रॉपर्टी ओनर्स, फिर 3 करोड़ रुपए का म्युनिसिपल लैंड इन वेरियस म्युनिसिपल पार्क्स हैव बीन एनक्रोच्ड एंड एमसीडी डिस्पाइट सो मेनी कंप्लेंट्स हैव नॉट टेकन एनी एक्शन। साउथ एमसीडी में 50 करोड़ रुपए का, उसके हाईलाइट्स कुछ हैं। 22 जिस तरह से ईस्ट में 54 करोड़ रुपए डीडीओज ने निकाल के रखे हुए थे, उसी तरह से साउथ एमसीडी में 22.5 करोड़ रुपए टेम्परेरी एडवांसेस के रूप में लेके रखे हुए थे और उनको बिल्कुल एडजस्ट नहीं किया गया, कहीं एडजस्ट नहीं, उनको कहीं नहीं दिखाया गया। लोन एडवांस लेते हैं ऑफिसर्स, डीडीओज का काम होता है तो वो उसको अकाउंट्स में एडजस्ट करते हैं फिर कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कहीं उनका एडजस्टमेंट नहीं दिखाया गया, सिर्फ डीडीओज के पास पड़े हुए उन्होंने गायब कर दिए। 1 करोड़ रुपए लॉस हुआ ड्यू टू नॉन अलॉटमेंट ऑफ राइट्स ऑफ डिस्प्ले ऑफ एडवर्टीजमेंट थ्रू कियोस्क्स। कियोस्क में वैसे विज्ञापन लग रहे हैं, प्राइवेट पार्टीज लगा रही हैं, कोई भी लगा ले रहा है, लेकिन उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं बनाया और 1 करोड़ रुपए का उसको लॉस हुआ। 1 करोड़ रुपए का लॉस हुआ ड्यू टू नॉन रिकवरी ऑफ ड्यूज अगेंस्ट डिसऑनर्ड चेक्स। यहां भी वही है, प्रॉपर्टी टैक्स के चेक्स 1 करोड़ रुपए के थे, यहां प्रॉपर्टी टैक्स का है, 1 करोड़ रुपए के चेक्स डिसऑनर हो गए और उनको उन्होंने वापस कोई एक्शन लिया उस पर।